हेलो गाइस, कुकिंग शुकिंग इंडिया पे आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी लसूड़े की सब्ज़ी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कुकिंग शुकिंग इंडिया बाय शगुन में। आइए बनाते हैं लसूड़े की सब्ज़ी। लसूड़े की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लसूड़े ले लिए हैं। अगर वेट में देखेंगे तो मैंने यहाँ पर आधा किलो लसूड़े लिए हैं। तो सबसे पहले मैं लसूड़ों को इस तरह से फोल्ड लूँगी और इसके अंदर एक गुठली होती है उसे निकाल कर अलग कर लूँगी। आप हाथ में थोड़ा सा सरसों का ऑयल लगा सकते हैं इसकी गुठली को निकालने के लिए। तो देखिए, मैं आपको एक और लसूड़े को इसी तरह से फोड़ के दिखाती हूँ। इसे इस तरह से फोड़ लें और इसमें से गुठली को बाहर निकाल लें। यहाँ मैंने कुछ लसूड़ों में से पहले से ही गुठलियाँ निकाल के रखी हुई हैं। इसी तरह से मैं बाकी के बचे हुए लसूड़ों से भी गुठलियाँ निकाल लूँगी। फिर मैंने यहाँ पे एक मैंगो ले लिया है, कच्चा आम मैंने यहाँ पे लिया है, एक प्याज और आधा कप मैंने यहाँ पे गुड़ ले लिया है। तो प्याज को मैं यहाँ पे बारीक चॉप कर लूँगी और फिर आम को भी यहाँ पे मैं चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास आम ना हो तो घबराएं नहीं, आम की जगह आप अमचूर या फिर इमली का भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस ज़रूर कर लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आम के छिलके को मैं यहाँ पे निकाल कर आम को भी चॉप कर लूँगी। तो लसूड़े को पंजाबी में लसूड़े कहा जाता है और गुजराती में इसे गुंदर की सब्ज़ी कहा जाता है। मराठी में देखा जाए तो इसे भौकर कहा जाता है। हर जगह इसे अपने तरीके से बनाया जाता है। इसका अचार भी बेहद टेस्टी बनता है, लेकिन आज मैं आपको अपने तरीके से लसूड़े की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। ये सब्ज़ी जितना बनाना आसान है उतनी ज़्यादा ये हेल्दी भी होती है। हमारी हेल्थ के लिए ये सब्ज़ी बेहद ही अच्छी होती है। आम को भी मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है। अब मैंने गैस पे कुकर रख दिया है तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 बड़ी कड़छी ऑयल। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, ऑयल की कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। जितना ज़्यादा आप ऑयल इसमें यूज़ करेंगे उतने ही बढ़िया जो है वो लसूड़े बन करके तैयार होंगे। तो मैंने 2 बड़ी कड़छी ऑयल यहाँ पर ऐड कर दिया है और मैंने यहाँ पर सरसों ऑयल का यूज़ किया है। सरसों के ऑयल में इसे पकाएँ तो ये बेहद ही टेस्टी बनती है। ऑयल को मैं अच्छे से यहाँ पर गर्म कर लूँगी। आप देख सकते हैं ऑयल बढ़िया से यहाँ पे गरम हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जीरा। तो मैंने यहाँ 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड कर दिया है। फिर जो प्याज हमने चॉप करके रखा था उसे भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और प्याज को बढ़िया से मैं भून लूँगी। आप देख सकते हैं प्याज जो है वो बढ़िया से भुन गया है। प्याज बढ़िया से भुन गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लसूड़े जिनकी हमने गुठली निकाल के रखी हुई है और अच्छे से इन्हें वॉश भी मैंने पहले ही कर लिया था। गुठली निकालने के बाद इन्हें वॉश ना करें। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच हल्दी। आधी चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है। अब मैं इन्हें बढ़िया से मिक्स कर लूँगी। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ऐड की है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जितनी आप खाते हो उतनी एडजस्ट कर सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर दिया है। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आम जिसे हमने चॉप करके रखा था। अगर इस स्टेज पे आम ना हो तो आप इमली का पानी या फिर अमचूर भी ऐड कर सकते हैं। और 1/2 कप गुड़ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक। नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा एडजस्ट कर लें और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें।
फिर मैंने एक ग्लास यहाँ पे लिया है और इस ग्लास से मैं पानी मेजर करके इसमें ऐड करूँगी। तो मैंने एक ग्लास पानी इसमें पहले ऐड कर दिया है और आधा ग्लास पानी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। तो पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड होगा ताकि जो लसूड़े हैं वो बढ़िया से गल जाए या गूंदे की जो सब्ज़ी है वो अच्छे से पक जाए। और अब मैं इसे ढक्कन लगाकर 2 से 3 सीटी आने तक अच्छे से पका लूँगी, या जब तक ये बढ़िया से पके ना तब तक हम इसमें सीटी लगा लेंगे। तीन सीटी यहाँ पे आ गई है। अब मैंने कुकर को बंद कर दिया है, गैस को यहाँ पे बंद कर दिया है और जब तक इसमें स्टीम रहेगी तब तक हम इस कुकर को नहीं खोलेंगे। इसकी स्टीम जब अपने आप उतर जाएगी तब मैं कुकर को खोलूँगी। तो देखिए कुकर की जो स्टीम है वो यहाँ पे उतर गई है और अब हम कुकर को खोल के देखते हैं। आप देख सकते हैं जो लसूड़े हैं वो बढ़िया से यहाँ पे गल गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें पानी है। तो अब हम इसे खुले में पकाएंगे जब तक इसका जो पानी है वो पूरी तरह से सूख ना जाए। तो हमें इस पानी को पूरी तरह से सुखाना है जब तक ये सब्ज़ी जितना हमने ऑयल इसमें ऐड किया था वो रिलीज़ ना कर दे। तो इसे इसी तरह से हम खुले में पकने देंगे जब तक कि पानी पूरी तरह से सूख नहीं जाता। लसूड़े की सब्ज़ी इस सीज़न में आसानी से मिल जाती है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, ये खाने में बेहद ही टेस्टी बनती है और बनाना तो आपने देख ही लिया कि ये बहुत ही आसान है। बस इसमें से गुठलियों को अच्छे से निकाल लें। तो इसे हम लगातार इसी तरह से खुले में पकाएंगे। इस स्टेज पे आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको इसमें नमक कम लगे तो नमक ऐड कर सकते हैं, मीठा कम लगे तो मीठा ऐड कर सकते हैं। बीच बीच में इसे चलाते रहें ताकि ये नीचे लगे ना। अब आप देख सकते हैं जो सब्ज़ी है वो यहाँ पे सूखने लगी है, पानी यहाँ पे सूख गया है और जो सब्ज़ी है उसने ऑयल भी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। तो देखिए किस तरह से सब्ज़ी ने ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। लसूड़े की जो सब्ज़ी है वो बन करके ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। 1 से 2 मिनट के लिए इसे हमें और पकाना है और फिर हम इसे गरम गरम नहीं खा सकते, इसे हमें फ्रिज में रखना है और ठंडा करके ही खाना है। अगर आप इसे गरम गरम खाएंगे तो इसमें जो गम होती है वो आपके मुँह पर लगेगी और इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे फ्रिज में रख दें और फिर ठंडा करके इसे खाएँ। देखिए हमारे लसूड़े की सब्ज़ी बनकर के तैयार हो गई है। मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ और फिर इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी, इसे अच्छे से ठंडा कर लूँगी और फिर इसे मैं सर्व करूँगी। तो आप इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख दें, जितनी ये सब्ज़ी ठंडी होगी उतनी ही ये खाने में टेस्टी लगेगी। और इसे एक बार ठंडा करने के बाद इसे गर्म ना करें। ये एकदम छील्ड ही सर्व की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, लसूड़े की सब्ज़ी बनकर के तैयार हो गई है, या गुंदे की सब्ज़ी बनकर के तैयार हो गई है, बुखारा की सब्ज़ी बनकर के तैयार हो गई है। खाने में बेहद ही टेस्टी, बनाना उतनी ही आसान। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।